चल रही है। अब समय आ गया है कि आज हम यहाँ तक पहुंचे और यहाँ का संचार भवन सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। आज वो हमारी आवाजों को सुन ले, आज वो समझ ले कि BSNL के साथ वो क्या कर रहे हैं। अगर वो आज नहीं चेतते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि ये सारी की सारी जनता वहीं मिलेगी और उसके बाद उसके आगे भी जो भवन है वहां भी पहुंचने से नहीं कतरेंगे। अगर आप लिखते नहीं, अगर आप समझते नहीं, आप हमारी मांगों को मांगते नहीं है। आप कहते हैं BSNL नुकसान में है। मुझे तो 2014 में अपने प्रधानमंत्री जी की एक बात याद है, लाल किले के प्राचीर से उन्होंने घोषणा करी थी कि यह सरकार BSNL को लाभ में लेके आई है। तो ऐसा क्या हो गया 2 साल में कि यह सरकार इसी सरकार के मातहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, जो अपर लेवल IAS अधिकारी काम कर रहे हैं, जो सेक्रेटरी DOT है, जो DOT विभाग है, वो कहता है कि BSNL नुकसान में है। हमें समझ में नहीं आता, हम तो सब अपना काम कर रहे हैं, हमें जो कहा जा रहा है उन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं आपके, हम लोकपन के बैकबोन को तैयार कर रहे हैं। हम आपके दूर प्रदेशों में जहां आपका कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर नहीं जाता है, हम वहां जाके भी काम करते हैं, वहां आपके नेटवर्क को संभाल के रखते हैं, आपके जो सेंसिटिव एरियाज है वहां पर जाके हम काम करते हैं। और आप हमें कहते हैं कि भाई फायदा करके दिखाओ, फायदा करिए। आपका सबसे बड़ा फायदा तो हम यह कर रहे हैं कि आपका जो ये खर्चा होता है वहां पे, उस खर्चे को हम रोक रहे हैं। वो खर्चा सरकार का फायदा नहीं, तो किसका फायदा है? उस फायदे में से हमें अपना हक चाहिए, हमें अपना वो जो हमारी मांग है वो चाहिए, हमें हमारा थर्ड PRC चाहिए, हमें हमारा पेंडिंग सेकंड PRC के बेनिफिट चाहिए, हमें हमारी जो पावर सब्सिडी आप जो BSNL को धीरे धीरे काटने की कोशिश कर रहे हैं, काट के प्राइवेट ऑपरेटर्स या पता नहीं किसको देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलतफहमी में है, क्योंकि BSNL की जितनी भी एम्प्लॉइज है, BSNL के जितने भी लोग हैं और खास करके BSNL के प्रो एग्जीक्यूटिव जिनका पूरा भविष्य BSNL के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका अगर 20 साल 25 साल 30 साल BSNL के साथ जुड़ा हुआ है, वो कभी भी इस चीज को होने नहीं देंगे। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि हम लोग इसमें क्यों है, थर्ड PRC अगर आती है तो BSNL को नुकसान होगा। किसी का BSNL को नुकसान होगा, हमारे लोगों को और उन लोगों को भी समझना चाहिए जो इस मुहिम से थोड़ा अलग होकर बैठे हुए, कि अगर आज आप साथ में नहीं आते हैं तो इसके आगे आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं है। आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ संघर्ष आपके लिए एक ही रास्ता है, संघर्ष का रास्ता है। आप अपने आप को आगे लेके जाएं, आपकी सभी मांगे तभी पूरी हो सकती हैं जब आप इस चीज को आगे लेके जाएं कि आप इन हमारे जो मंच से जो भी हमारे जो यूनियंस और एसोसिएशन का प्रोग्राम होता है उसको ब्लाइंडली फॉलो करें, अपना दिमाग लगाना छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ फॉलो करें, तभी हम सफल होंगे। और मैं इसके आगे ज्यादा बोलने के, चूंकि काफी लंबे रिश्ते भुगताओं की, मैं धन्यवाद देता हूँ मंच का कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं ये आश्वासन देता हूँ कि ये जो यंग ब्रिगेड है BSNL की, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हर पथ पे खड़ी रहेगी। जहां भी आप कहेंगे सबसे आगे हम रहेंगे। खून बहाने की बारी आएगी तो सबसे पहले हमारा सीना ठल रही होगा, उसके बाद ही किसी और का होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय BSNL।